प्रेमिका गए उसके साथ घर बसाने, पति ने अपने पत्नी को गोली मारी और विरोधियों को फंसा दिया। चलिए इस वीडियो को आगे चलते हैं, समझते हैं क्या घटना है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग का प्यार, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरा चैनल ग्रो हो जाए, तो कृपया आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं ऑडियो की तरफ, ऑडियो सुनते हैं, आप लोग को ऑडियो में पेश करता हूँ, तो चलिए आगे। प्रेमिका के साथ घर बसाने के लिए पति ने पत्नी को मार दी गोली, विरोधियों को फंसाया। यूपी के बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी की के प्रेम के फंसकर अपने धर्म पत्नी को गोली मारकर हत्या 9 जून को कर दी। हत्या आरोप प्रधान चुनावी के पदबंदी, लेकिन पुलिस से शक हुआ तो आरोपी दामोदर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों के मित्र का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस पुलिस और परिजन में जमकर मुठभेड़ हुई। इस फायदा उठाते हुए दामोदर फरार हो गया। 3 दिन पहले उसकी वकील से बेसुबा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दामोदर को रिमांड पर लिया और पूछताछ के लिए मामला काफी चौंकाने वाला सामने आया है। घटना थाना असंद्रा इलाके की है। बाराबंकी के थाना असंद्रा और डायल 112 पुलिस को 9 जून रात को वादीवाद दामोदर प्रसाद पुत्र परमतीन ने सूचना दी है कि वह उसकी पत्नी बोलने के कार से आ रही थी कि ग्राम अरवी के नदी गांव की ही सोनू वर्मा 4 लोगों ने गाड़ी रोककर जानलेवा हमला किया, जिस पर वह अपने बचाव में गाड़ी से उतरकर भागने लगी और उनके पति को गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना असंदा में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर दामोदर को भी हिरासत में ले लिया, जिसके लेकिन ग्रामीणों और परिजनों में मृतक की लाश रखकर बवाल किया। बवाल इतना बड़ा था कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी। इस बवाल का फायदा उठाकर दामोदर फरार हो गया और वकील की वेशभूषा में कोर्ट के आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के ने मामले को गंभीरता से लेते अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए अपर पुलिस अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस टीम द्वारा गहन जांच एवं भौतिक साक्ष्यों के संकलन से वादी के द्वारा ही पत्नी की हत्या करने सच पाए गए, जिससे संदिग्ध आरोपी दामोदर की पूछताछ एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। आरोपी दामोदर द्वारा पुलिस की पूछताछ एवं गिरफ्तारी से बचने का लगातार प्रयास करते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना असंदा पुलिस टीम द्वारा आरोपी दामोदर को घटना के संबंध में पूछताछ आला कत्ल की बरामदगी करने के लिए न्यायालय से 29 जून को पुलिस रिमांड लिया गया, जिसके आधार पर आरोपी दामोदर पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निस्तोही पर घटना में इस्तेमाल किया गया एक 315 बोर का देसी तमंचा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध थाना असंदा पर FIR 217-221 के में धारा 325 आम एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त दामोदर ने पुलिस को पूछताछ पर बताया कि मेरा प्रेम सबन गांव की एक ही लड़की से था, जिसमें मेरी पत्नी बंधक बनी रही थी और विरोधी विरोध करती रहती थी। मैंने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने का प्लान कई दिन पहले बना लिया था और हत्या का आरोप विरोधियों को लगा देने का प्लान बनाया था, जिसकी कोई हमें लोग शक न करे और हम बाद में आपस में शादी कर लें। मौका पाते ही बिना काट धूल शाम को अपनी गाड़ी से पत्नी के साथ अपने गांव और भी पहुंचने से पहले काम देकर पूर्व में बनाए गए प्लान के तहत पत्नी को तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी और तमंचा सिंदौर पुलिया रारी नाला के पास छिपा दिया।
तथा आरोप अपने विरोधियों पर लगा दिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज पांडे ने बताया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में थाना संदा में मुकदमा दर्ज किया गया था। तमाम सबूतों और साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर पति का नाम हत्या में आया, फिर यह फरार हो गया और कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि प्रेमिका से शादी कर घर बसाना चाहता था, जिससे पत्नी रोड़ा बन रही थी, इसलिए घटना को अंजाम देना पड़ा। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और मेरे वीडियो बनाने के माध्यम है कि आपको अवेयर करना, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।